आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव का शव मेदांता से एम्बुलेंस द्वारा 5:10 बजे सैफई लाया गया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर लंबे काफिले के साथ उनके गांव सैफई पहुंच गया है। गुड़गांव से सैफई के रास्ते में नेताजी के कई चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन करने के लिए एक्सप्रेसवे पर मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए सैफई तक लाया गया है। एम्बुलेंस में मुलायम सिंह यादव के साथ बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। पूरा मुलायम परिवार नेता जी के जाने से शोक में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंच चुके हैं व सैफई पहुंचकर उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस समय मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके आवास पर मौजूद हैं। मुलायम सिंह के शव को देखकर क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं सभी फूट फूट कर रो रहे हैं। पूरे सैफई में कोहराम मचा हुआ है। देशभर के पार्टी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सभी पहुंच गए हैं। कल दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार सैफई मेला ग्राउंड में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कल इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सहराष्ट्री सुब्रत राय सहारा व कई राजनीतिज्ञों के सैफई पहुंचने की संभावना है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सैफई बुलेटिन के साथ। दर्शन होंगे जगह दी जाए, हम जिस जगह पर खड़े हैं वहीं पर यहीं पर रखा है।